आज मैं लेके आया हूँ लेनोवो का न्यू टैबलेट है, जो है ये लीजेंड गेमिंग सीरीज टैब, जो आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 प्रोसेसर के साथ है। और टेस्ट करते हैं इसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस की ये कैसा परफॉर्म करता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिव टैग स्मार्ट में। स्पेशल अनबॉक्सिंग करते हुए डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये है टैबलेट का बॉक्स और ब्लैक कलर में अपने को देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बॉक्स को करते हैं ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को मिल जाता है टैबलेट, इसे रखते हैं हम साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। एक अपने को मिल जाती है टाइप सी टू टाइप सी केबल और क्वालिटी आप देख सकते हो क्या ही शानदार क्वालिटी देखने को मिल रही है। इसे भी हम रखते हैं साइड में। एक अपने को मिल जाती है सिम इजेक्टर टूल, देखते हैं कहाँ यूज आएगा ये। और साथ ही अपने को मिल जाता है पेपर वर्क काफ़ी सारा, इसे भी रखते हैं हम साइड में। और बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ अपने को मिल जाता है 45 वोल्ट का टाइप सी एडाप्टर, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में है और यहाँ लेनोवो की ब्रांडिंग की गई है और इसे रखते हैं हम साइड में। और फाइनली अपने को मिल जाता है टैबलेट, इसे करते हैं पहले रिमूव। तो सबसे पहले इस टैब के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ 2 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ लेनोवो की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ ग्लास फिनिशिंग में लीजेंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ लीजेंड सीरीज का ये टैब है तो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। टैब स्ट्रॉन्ग ग्रे कलर में है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शायद इस कलर के अलावा आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे पर्सनली मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। टोटल मेटल बिल्ड से ये टैब बना हुआ है। और यहां मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, काफी लाइट वेट ये टैब है, ओनली 350 ग्राम का ही वेट आपको देखने को मिलेगा। और मैंने पहले काफी सारे टैब के रिव्यूज कर रखे हैं, 10 इंच 11 इंच वो काफी बल्की से लगते थे, लेकिन इस टैब की साइज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। ओनली 8.8 इंच का ये टैब देखने को मिल रहा है। और यहां मैं आपको बता दूं लीजेंड सीरीज का ये टैब है तो आपको पता होगा कि लेना होगा कि लीजेंड सीरीज काफी प्रीमियम है। चाहे आप डेस्कटॉप ले लो, चाहे आप लैपटॉप ले लो और चाहे आप टैब ले लो, ओवरऑल बिल्ड भी काफी अच्छी है, काफी लाइट वेट भी है। और ये टैब अभी जहां तक मैं देख पा रहा हूं 30,000 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। अभी दिवाली की फेस्टिवल सेल में ये टैब 25,000 के बजट में मिल रहा था बैंक डिस्काउंट के बाद है। उसमें बताना कमेंट्स करके किस किस ने ये टैब परचेज किया है। और इस टैब में राइट साइड की तरफ वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पावर बटन दिया हुआ है। पावर बटन के ऊपर कुछ टेक्सचर से बने हुए हैं, जैसे फील होता है जैसे ही आप इसे ऑन करोगे। और ड्यूल एरिया माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। अप और डाउन में स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाती हैं और इस टैब में डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाता है तो ऑडियो की क्वालिटी आपको काफी अच्छी सुनने को मिल जाएगी। इस टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले पाओगे, OTG फास्ट डाटा ट्रांसफर पर है और ऑडियो आउटपुट आप इसे ले पाओगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको साइड में एक और USB 3.2 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाओगे। और दो टाइप सी पोर्ट का फायदा यह रहेगा, जब आप गेमिंग करोगे या एक्सटर्नल मॉनिटर से आप कनेक्ट करके रखोगे तो एक टाइप सी पोर्ट से आप चार्ज भी कर पाओगे। और एक अपने को मिल जाती है माइक्रो SD ट्रे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिम इजेक्टर टूल कहाँ काम में आएगा वो यहाँ काम में आएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये टैब LTE को सपोर्ट नहीं करता है, ओनली आप यहाँ माइक्रो SD लगा सकते हो प्रीमियम क्वालिटी का, 1 TB तक ये सपोर्ट करता है और फिर बाकी वाईफाई के थ्रू ही आपको इस टैब को यूज करना रहेगा। और पीछे की तरफ 2 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलते हैं जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल का है और एक 2 मेगापिक्सल का है। साथ ही यहाँ फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। और इस टैब की थिकनेस 7.9 mm की देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है, उससे भी मुझे कमी देखने को मिल रही है। इस टैब में बिल्ड क्वालिटी और प्रोसेसर के साथ साथ काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 8.8 इंच की 2K IPS ग्लॉसी डिस्प्ले दी हुई है। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ टच का रेस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। इस टैब को आप बाहर आउटडोर में भी यूज कर पाओगे, लेकिन ग्लॉसी डिस्प्ले है तो थोड़ा सा हल्का सा आपको रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही 98% DCI-P3 कलर गैमट देखने को मिल जाता है। साथ ही 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है और ये टैब HDR10 को भी सपोर्ट करता है। तो देखो डिस्प्ले के साथ आपको कोई
भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रहेगा, आप आराम से यूट्यूब पे 4K की वीडियो वगैरह आसानी से देख पाओगे। और जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा, कलर्स आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और गेमर्स को कैसे भूल सकते हैं, इसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है और आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो 60 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज तक है। वैसे ऑटो पे रखना, क्योंकि जैसा कंटेंट आप प्ले करोगे वैसे ऑटोमेटिकली इसकी रिफ्रेश रेट सेट हो जाएगी। इस टाइप के स्पेक्स और अपग्रेड्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इसमें सीपीयू काफी पावरफुल मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 सीपीयू देखने को मिल जाएगा और साथ ही एड्रेनो जीपीयू भी देखने को मिल जाएगा। उसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस तो गेमिंग वाले पार्ट में पता चलेगी, क्योंकि LPDDR5X रैम अपने को देखने को मिल जाती है। इन फ्यूचर में आप इसमें रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। और साथ ही 256GB का स्टोरेज मिल जाता है UFS 3.1, जो कि काफी फास्टर है। और अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो टैब में आपको माइक्रो SD स्लॉट मिल जाता है, तो आप आराम से उसमें 1TB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और साथ ही टाइप सी पोर्ट OTG को सपोर्ट करता है, तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो। तो कभी भी स्टोरेज के रिगार्डिंग आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, Wi-Fi 6E और साथ ही ब्लूटूथ 5.3 दिया हुआ है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये Android 14 पे बेस्ड है। और साथ ही इस टैब में PC मोड मिल जाता है, तो आप PC की तरह भी यूज कर सकते हो। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, PC की तरह आप आराम से यूज कर पाओगे। और अब टेस्ट कर लेते हैं इस टैब की ग्राफिकल परफॉर्मेंस, देखते हैं Adreno GPU के साथ ये कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं इसमें कुछ गेम प्ले करने जा रहा हूं। तो मैंने इसमें तकरीबन 4 गेम्स प्ले किए हैं, और सबसे पहले मैंने Asphalt Legends प्ले किया, Angry Birds 2 प्ले किया, कैंडी क्रश सागा और VGMI को प्ले किया। तो मैंने जितने भी गेम्स प्ले किए उनमें कहीं भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला। और हीटिंग इशू की बात करूं तो मुझे ऐसा कोई हीटिंग इशू इस टैब में देखने को नहीं मिला। और अगर आपके पास एक्सटर्नल गेमिंग मॉनिटर है तो आप टाइप सी के थ्रू एक्सटर्नल उसे कनेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस को और भी बेटर कर सकते हो। तो ओवरऑल इस टैब की मुझे परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी काफी शानदार देखने को मिली। अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करो तो 6550 mAh की बैटरी लगी हुई है, और नॉर्मल यूजेज में मुझे आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल गया था। बाकी फिर आपके यूजेज पे आप टैब को कैसे यूज करते हो। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी ये आ रहा है शायद लगभग 30,000 के आसपास है, और किसी ऑफर सेल में आप इसे परचेज करोगे तो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको हर वीडियो में बोलते रहता हूं कि कंप्यूटर टैब लैपटॉप है कभी भी परचेज करो तो ऑफर सेल में ही परचेज किया करो, क्योंकि उसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट
डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था लेनोवो लीजेंड टैब का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टैब के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।